मोदी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आमिर सिद्दीकी के पेट पे लात मार दी आपने, अब बेचारा इन्फ्लुएंसर कहाँ जाएगा और पब्लिक अब फ्री में मुजरा कहाँ देखेगी। तो आप सब जानते ही हैं, हमारे डिजिटल कोठा यानी कि टिकटॉक पे बैन लग चुका है और साथ में 58 अदर ऐप्स भी बैन हो चुके हैं। तो ये बैन इम्पोज किया गया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मैं समझता हूँ लेट भी है, तब भी ये स्टेप बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें पता है चाइनीज हमारा डाटा स्टोर करते हैं, उनके ऐप्स हमारा डाटा चोरी कर रहे हैं और हमारी लोकेशंस को ट्रैक कर रहे हैं। कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि चाइनीज ऐप्स हमारा डाटा चोरी कर रहे हैं, उसे प्राइवेट सर्वर्स पे स्टोर कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी यही रीजन बताया। उस डाटा का यूज चाइनीज गवर्नमेंट कर सकती है कभी भी, क्योंकि ऐसी डील्स उन ऐप्स के क्रिएटर्स के साथ पहले ही चाइनीज गवर्नमेंट कर चुकी होती है। जब भी चाइनीज गवर्नमेंट को उस डाटा की जरूरत होगी, वो कंपनीज उन्हें वो डाटा प्रोवाइड कराएंगी, आपका हमारा पर्सनल डाटा। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। अगर चाइनीज गवर्नमेंट के पास हमारा पर्सनल डाटा है तो वो हमें पर्सनली टारगेट कर सकती हैं, एक अच्छा खासा साइबर अटैक जो है इंडिया पे कर सकती हैं। ये बहुत ही ईजी है उसके लिए, वो आपकी लोकेशंस, आप किससे बात करते हैं, दे नो एवरीथिंग। और टिकटॉक जैसा ऐप, वो तो सिम कार्ड से आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। आप अगर VPN भी यूज कर रहे हैं तब भी आपके सजेशंस चेंज नहीं होने वाले, वो तभी भी इंडियन टिकटॉकर्स के सजेशंस ही आपको आएंगे, क्योंकि वो आपकी लोकेशन आपके सिम कार्ड से ट्रेस करता है। और अगर हम चाइना का बॉयकॉट करना ही चाहते हैं तो उनके ऐप्स का भी हमें करना पड़ेगा। जो डिजिटल सिल्क रूट बना रखा है चाइना ने, हमें उसका इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डाटा कॉस्ट और कंज्यूमर्स यहाँ पे 800 मिलियन है और उसमें से भी आधे 25 से बिलो है, तो आप सोच सकते हैं चाइनीज के लिए कितना बड़ा मार्केट है ये। इसलिए इस स्टेप से चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। जो एक्चुअल कमाई उसकी एड से हो रही है, एड रेवेन्यू से हो रही है, वो तो कुछ नहीं है। जो आपका डाटा चुरा कर वो दूसरे कंपनीज को बेच रहा है, उस डाटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब वो डाटा जाना बंद हो जाएगा, चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और स्पेशली आर्मी को कई बार एडवाइजरी दी जा चुकी है कि वो चाइनीज एप्स को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि चाइना उनके थ्रू स्पाई कर रहा है, हमारे सोल्जर्स की लोकेशन देख रहा है, उनकी बातें भी रिकॉर्ड होती हैं, और भी कई चीजें हैं। और टिकटॉक पर पहले भी बैन लग चुका है, पर वो ज्यादा दिन चला नहीं, उस बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया था। अब जानते हैं इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हजारों लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि इन एप्स के ऑफिसेस इंडिया में भी हैं और उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, एंड दोज ऑफिसेस एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल, सो नौकरियां तो जाने वाली हैं ही। एक और इम्पैक्ट इसका ये होने वाला है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब कम होगा इंडिया में। 5.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है इंडियन स्टार्टअप्स में। अब इन एप्स के बैन के बाद दे विल बी डिस्करेज्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, व्हिच आई थिंक इज गुड एंड बैड। अब एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है दुनिया का, सो वी हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट आवर ओन मार्केट। And this ban won't be limited to India. मुझे लगता है ये और भी जगह पे फॉलो होने वाला है। So, अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि सब्सटीट्यूट एप्स बनाएं जो कि चाइना के सॉफ्टवेयर मार्केट को काउंटर कर पाएं और यूजर्स को सेम एक्सपीरियंस, सेम सर्विसेज प्रोवाइड करें विथ बेटर सिक्योरिटी। अब जानते हैं ये बैन इम्पोज कैसे होगा, हाउ दिस विल बी कैरिड आउट। सो इंडियन गवर्नमेंट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोलेगी इन पर्टिकुलर एप्स का एक्सेस बैन कर दिया जाए इंडिया में। साथ ही एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर पर भी इन एप्स को बैन कर दिया जाएगा इंडियंस के लिए। सो व्हाट विल हैपन टू टिकटॉक, जिनके पास अभी भी ऐप है उनका क्या होने वाला है? तो इलीगल नहीं है, आप उन एप्स को इंस्टॉल रख सकते हैं, बट उनका फायदा नहीं है अब कि अब उन एप्स पर कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है आपको, कोई भी सिक्योरिटी पैच नहीं आएगा और कोई भी डेवलपर सपोर्ट नहीं मिलने वाला है आपको उन एप्स के ऊपर, जिससे आपकी ऑलरेडी सिक्योरिटी रिस्क में आ जाती है। तो मैं एडवाइस करूंगा आप उन एप्स को अभी अनइंस्टॉल कर दें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी डेवलपर सपोर्ट फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ द ऐप। और अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से ज्यादातर एप्स का अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अब उनका क्या होगा जिन्होंने MI का स्मार्टफोन ले रखा है? सो गवर्नमेंट ने अभी भी बैन करके रखा है प्री इंस्टॉल्ड MI एप्स पे, जैसे कि MI कम्युनिटी, MI वीडियो कॉल, बट MI यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी फोन सर्विसेज और एसेंशियल एप्स जो हैं वो अभी भी फंक्शनल होंगे। ये पर्टिकुलर एप्स काम नहीं करेंगे जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, बट बाकी सर्विसेज और बाकी एसेंशियल एप्स आपके काम करेंगे। अब जानते हैं अल्टरनेटिव क्या है। फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव, अडोब स्कैन, प्ले स्टोर पे टिकटॉक का भी सब्स्टिट्यूट आ चुका है,
और फाइल शेयरिंग ऐप भी आ चुका है, उसे अपसेंट कहते हैं, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ी तकलीफ होने वाली है इनिशियली लोगों को, बट इन लॉन्ग रन हम सबके लिए ये अच्छा है। कंट्री से बढ़कर नहीं है आपके लिए चाइनीज ऐप्स को यूज़ करना, उनके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, आप ढूंढ सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी बट यू विल बी फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।